नमस्कार, मनी नाइन झटपट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रणव। रैन बैक्सी का नाम तो आपने सुना ही होगा, फोर्टिस हॉस्पिटल्स के बारे में भी जानते ही होंगे। इन दोनों के बीच एक चीज कॉमन है, एक वक्त पर इन दोनों कंपनियों के मालिक दो भाई हुआ करते थे, नाम है मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह। दोनों भाइयों के नाम सुनकर शायद आप थोड़ा चौंक गए होंगे। सफल कारोबारी से जेल के सफर तक आखिर इन दोनों भाइयों ने ऐसा क्या किया कि इनका सितारा टूटकर जमीन पर आ गिरा। तो आज की ये कहानी इन्हीं दोनों भाइयों के अष्ट से फर्स्ट तक पहुंचने के सफर पर है। तो खैर, ये बात जान लीजिए कि अरबों रुपए के मालिक रहे फोर्टिस के पूर्व प्रोमोटर मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह के पास कभी केवल एक हॉस्पिटल था। दोनों ही अपनी मेहनत के बूते बस 10 साल में फोर्टिस के हॉस्पिटल का आंकड़ा 66 तक पहुंचाने में सफल रहे। लेकिन बताया जाता है कि इन दोनों भाइयों का इरादा धंधा चलाने की बजाय दूसरे कामों पर ज्यादा था। खबरों की माने तो कारोबार की आड़ में फ्रॉड कर रहे थे दोनों भाई, और इसी चक्कर में दोनों पहुंच गए जेल के भीतर। तो सिंह भाइयों ने कुछ लोगों से साठ गांठ कर 2016 में कथित तौर पर एक घोटाला कर दिया। इन दोनों के जेल जाने की कहानी पर लौटने से पहले हम जान लेते हैं रैन बैक्सी वाली कहानी। तो बात यह है कि दिग्गज फार्मा कंपनी रैन बैक्सी मलविंदर और शिविंदर को विरासत में मिली थी। उनके दादा भाई मोहन सिंह और पिता परविंदर सिंह ने रैन बैक्सी की नींव डाली थी। मलविंदर और शिविंदर ने जापान की दाइची सैंकियो को रैन बैक्सी को 2.4 अरब डॉलर में 2008 में जब बेचा, तब ये देश की दूसरी सबसे बड़ी दवा कंपनी थी। 2008 में रैन बैक्सी बेचने के कुछ वक्त बाद इन्होंने मॉरिशस में स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी SPV की नींव रखी। लेकिन संकट का दौर तभी शुरू हो गया। तब यह सवाल भी उठा कि दोनों फ्लैगशिप कंपनी को क्यों बेच रहे हैं और इसके बाद वे क्या करेंगे। इसके बाद पिछले 10 साल में बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो गया। दोनों भाई रेलीगेयर के फंड की हेराफेरी के आरोप का सामना कर रहे हैं। 2008 में जिस रैन बैक्सी डील की वाहवाही हुई थी, वह आगे चलकर उनके गले की फांस बन गई। डील के बाद 2014 तक रैन बैक्सी के चार प्लांट्स पर गलत मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और दवाओं से जुड़े गलत डेटा की वजह से अमेरिकी ड्रग्स रेगुलेटर बैन लगा चुका था। इसके बाद डील के दौरान जानकारियां छिपाने का आरोप लगाते हुए दाइची ने दोनों के खिलाफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू कर दिया। इसमें जापान की कंपनी की जीत हुई और कोर्ट ने सिंह भाइयों से दाइची को 3500 करोड़ रुपए देने को कहा। दोनों ने इससे बचने के लिए आर्बिट्रेशन कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। रैन बैक्सी से निकलने के बाद दोनों ने हॉस्पिटल चेन बिजनेस को देश विदेश में बढ़ाना शुरू किया और रेलीगेयर ब्रांड के तहत फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस में एंट्री की। साल 2001 में दोनों भाइयों के पास केवल एक हॉस्पिटल था, जो साल 2011 आते आते 66 तक पहुंच गया। सिंगापुर के पार्कवे हॉस्पिटल में 65 करोड़ डॉलर में दोनों भाइयों ने 25% हिस्सेदारी खरीदी। 2008 में रैन बैक्सी को बेचने के कुछ ही दिनों बाद दोनों ने मॉरिशस में RHC फाइनेंशियल सर्विसेज नाम के SPV की स्थापना की। कुछ समय बाद SPV के पास फोर्टिस इंटरनेशनल के साथ 6 और कंपनियां हो गईं, जिन्हें उसने दूसरों से खरीदा था। इन कंपनियों के पास श्रीलंका, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में हॉस्पिटल थे या हॉस्पिटल बन रहे थे। हॉस्पिटल चेन बिजनेस के अंधाधुंध विस्तार के चलते 2011 तक शेयर बाजार में लिस्टेड फोर्टिस पर 7000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था। वहीं दूसरी ओर फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस तो कभी भी मजबूती से खड़ा ही नहीं हो पाया। 2011 तक दोनों भाइयों को एहसास हो गया था यह कर्ज उन्हें तो ले डूबेगा। इसके बाद इसे कम करने के लिए उन्होंने एक एक करके ग्रुप के बिजनेस को बेचना शुरू कर दिया। पहले ऑस्ट्रेलिया इकाई डेंटल कॉरपोरेशन को बेचा गया। उसके बाद सिंगापुर में लिस्टेड रेलीगेयर हेल्थ ट्रस्ट को 2200 करोड़ रुपए में बेचा। इसके बाद डायग्नोस्टिक बिजनेस SRL में 3700 करोड़ रुपए की इक्विटी अलग की गई। इन सब से फोर्टिस पर कर्ज घटकर 2300 करोड़ रुपए रह गया। हाल में सिंह भाइयों पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SEBI ने कड़ा एक्शन लिया है। SEBI ने दोनों भाइयों पर किसी लिस्टेड कंपनी या SEBI के दायरे में आने वाली इंटरमीडियरी में मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारी के रूप में काम करने पर 3 साल के लिए रोक लगा दी है। साथ ही दोनों भाइयों पर 5-5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। उम्मीद है यह खबर आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए YouTube पर Money9 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए रिपोर्ट तैयार की है हमारे साथी गगनराव पाटिल ने। ऐसी ही दूसरी खबरों के लिए बने रहिए Money9 के साथ।